हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेसिपीज़ बाय मीका। आज हम बनाएंगे पालक पनीर भुर्जी, जो बहुत ही इजी, क्विक और टेस्टी रेसिपी है। इसके लिए हमें चाहिए 350 ग्राम पालक, 1 कप मेथी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार, आधा टीस्पून गरम मसाला और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। अब कुकर में 1 कप पानी ऐड करके मीडियम आंच पर एक विसल होने तक रख देंगे। यह देखिए, पालक अच्छे से बॉईल हो गई है, तो इसको हैंड मिक्सी से थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे। ध्यान रहे, हमें इसकी प्यूरी नहीं बनानी है, जस्ट हाफ ब्लेंड करना है। अब एक पैन में 3 टीस्पून घी गरम करके उसमें जीरा ऐड करें। जब जीरा तड़कने लगे, इसमें जरा सी हींग, सूखी मिर्च और दालचीनी ऐड करके थोड़ा भून ले। अब इसमें 2 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड करके उसे ब्राउन होने तक भून ले। अब इसमें पालक ग्रेवी ऐड करके मिक्स कर ले। एक बाउल में 2 टेबलस्पून बेसन लेकर उसमें थोड़ा पानी ऐड करके पेस्ट बना ले। अब यह बेसन का पेस्ट ग्रेवी में ऐड करके मीडियम आंच पे 4 से 5 मिनट तक होने दे। बेसन की पेस्ट से ग्रेवी का टेक्सचर और थिकनेस बढ़ेगा। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून नींबू का रस। 5 मिनट बाद इसमें 150 ग्राम कसा हुआ पनीर और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ऐड करके 1 मिनट बाद गैस बंद कर दे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरी सारी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। यह तैयार हो गया हमारा पालक पनीर भुर्जी। इसे आप पराठा, नान या रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप इस क्विक रेसिपी को ट्राई करें और मुझे आपका फीडबैक जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।